सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के भीतर आरक्षण यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसटी एससी वर्ग के आरक्षण से क्रीमी लेयर की पहचान कर उसे बाहर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एससी एसटी में अपवर्गीय आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर विरोध किया गया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में वर्गीकरण का फैसला लिया। विशेष करके सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द और इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर को भी लागू किया गया। हमने इन दोनों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने दिया है और उसमें मांग की है कि असंवैधानिक निर्णय है, उसमें हमने अपना ब्रीफिंग दी है किस तरह से वो असंवैधानिक है। उन पे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का निर्णय लेने का, एसटी का तो बात ही नहीं थी, एसटी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। क्रिमिनल कोई गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है अनुसूचित जातियों के आरक्षण में, तो सरकार ने अपना नुमाइंदा सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा, सरकार तैयार नहीं थी और हम असुरक्षा की भावना महसूस करते हुए आज ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल भारत सरकार विशेष सत्र बुलाए, उसमें एक कानून पास करे और इस मामले को 9वीं सूची में शामिल किया जाए, जिससे छेड़छाड़ ना हो। हर बार कमजोर कड़ी अनुसूचित जातियां हैं उन पर हमला हो रहा है, बार बार हमला हो रहा है, कई बार हमला किया जा रहा है और ये जो वैकेंट पड़े पद हैं खाली हैं, नॉट फॉर सुटेबल, नॉट फॉर ये। इस तरह उत्तराखंड का भी बहुत परिस्थितियाँ खराब है, रोस्टर नहीं है। इस सब बातों को कोर्ट को देखना चाहिए था, कोर्ट ने उसे ना देख करके एक इस तरह का निर्णय ले लिया है, जिस पर हम सब लोग, हमारे सभी देश के अलग अलग, हमारे मुख्य संरक्षक महमूद प्राचा जी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है, हम लोग उनके साथ हैं। आज उत्तराखंड की राजधानी में हमने विरोध जाहिर किया है और उस पर हमने पत्र जारी किया है। ठीक सर, दलील